आज एक अजीब सा वातावरण हो रहा है और वह वातावरण संबंधित है भाषा से। मैं देख रहा हूँ समाचार पत्रों में, पत्र पत्रिकाओं में, जिस प्रकार से भाषा की मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है, अमर्यादित भाषा का, असंयमित भाषा का और असंतुलित भाषा का प्रयोग हो रहा है, वो समाज के लिए उत्साहवर्धक नहीं है बल्कि हानिकारक है। लोकतंत्र के युग में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन अगर अपनी बात कहने में हम भाषा की मर्यादा का ध्यान नहीं रखेंगे तो जो सामान्य लोग हैं उसकी पृष्ठभूमि में अपना व्यवहार बदलते जाएंगे और उस व्यवहार के बदलने के कारण समाज में विसंगतियाँ पैदा होंगी, संघर्ष पैदा होगा, द्वेष पैदा होगा, कलुष पैदा होगा। इसलिए मैं सबसे, समाज के हर वर्ग से, चाहे वो साहित्यकार हो, चाहे वो नेता हो, चाहे और भी कहीं हो, कि कम से कम अपने व्यवहार में, अपनी बातचीत में भाषाई मर्यादा को जरूर पालन करो और मर्यादित शब्दों का ही प्रयोग करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा कहने वाले का भी स्तर ऊँचा रहेगा, सुनने वाले का भी स्तर ऊँचा रहेगा और दूसरों के लिए भी ये शिक्षा मिलेगी कि अपनी बात को बहुत ही संयमित ढंग से कहना चाहिए। पश्चिम बंगाल में लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, वो अलग चीज़ है। आप वहाँ की कानून व्यवस्था से संतुष्ट हैं सर? वेस्ट बंगाल की कानून व्यवस्था से संतुष्ट हैं सर? बहुत सी चीज बताई नहीं है।